सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ् करुवाहै तीजस्विना ीतमस्तु मि॒द्विषवै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तो कलयुग का वर्णन चल रहा है इसकी भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि रामायण की आवश्यकता कब पड़ती है ईश्वर को व्यक्ति कब याद करता है जब दुखी होता है सुखी होता है तब नहीं करता है राम के राज्य की आवश्यकता कब पड़ती है जब उससे उल्टी हो परिस्थिति सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो रावण राज्य चल रहा हो जब असुर राज्य चल रहा हो तब राम जी की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी इसलिए भूमिका बना रहे हैं कि कुछ लोगों ने कुछ ऋषियों ने पूछा था इनसे सूत जी से तो ये पहले कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होगा तो वो हम पढ़ रहे थे तो इसमें ग्यारह श्लोक हमने पढ़े थे कि कलयुग में क्या होगा वाचालस्य भविष्य कलो प्राएण योषित भिक्षवाश्च मित्रादि स्नेह बंधयंत्रिता कलयुग में ऐसा होगा कि महिलाएं बहनें स्त्रियां जो हैं वो बहुत वाचाल हो जाएंगी बहुत बात करने वाली तो ऐसी क्यों कहा क्योंकि बहने प्राय स्वभाव से शांत रहने वाली होती हैं कलयुग में उल्टा होगा वाचालस्य भविष्यंति कलो प्रायण प्राय करके कहा सब नहीं होंगे यहां जो बैठे हैं वो नहीं होंगी वो योग मार्ग की पथिक है योगिनी है वो प्राय कहा इसलिए तो प्राय है ऐसे होगा और भिक्षवश्चापि और जो भिक्षु हैं वो भी कलयुग के भिक्षु कैसे होंगे मित्र आदि स्नेह संबंध यंत्रिता अपने संबंधियों से मित्र आदि से संबंध रखने वाले होंगे तो यहां वाले नहीं ये भी प्राय प्राय शब्द दोनों के साथ जुड़ जाएगा प्राय ऐसे भिक्षु होंगे भिक्षु को कैसे होना चाहिए मित्र आदि से स्नेह संबंधों से उसको थोड़ा ऊपर उठ के रहना चाहिए इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि फिर कोई अपने पुराने कोई मित्र आदि आ जाए या कोई संबंधी आ जाए तो फिर उनसे हम प्रणाम भी ना करें बात भी ना करें ऐसा नहीं है पर एक जो मन में जो अटैचमेंट होता है ना वो एक अलग है वो व्यक्ति को खुद ही पता लगता है तो भिक्षु को ये याद रखना चाहिए कि मैं एक भिक्षु हूं भिक्षु मतलब दोनों सन्यासी भी और ब्रह्मचारी भी मतलब मैं अध्यात्म मार्ग का पथिक हूं तो इसलिए मेरा संबंध एकमात्र किससे है गुरु और भगवान से दो से गुरु उधर ले जाने वाले उसके प्रतिनिधि हैं। तो स्थूल रूप से अगर सन्यासी या ब्रह्मचारी की कोई पूंजी कोई संपत्ति होती है तो वो गुरु होते हैं आपने सुना ना डोमेट कौन कौन गए थे आप में से तो वहां स्वामी जी ने बताया ना स्थूल रूप से सन्यासी या की एक ही संपत्ति होती है वो होता है गुरु और वो कभी चेंज नहीं किया जाता है एक बार किसी को हमने संबंध जोड़ा गुरु शिष्य का तो और आंतरिक पूंजी होती है ईश्वर शरणागति ईश्वर का नाम जप ईश्वर का भजन वो आंतरिक संपत्ति होती है। दो ही होते हैं बाकी आ गए तो ठीक है उनसे यथा योग्य व्यवहार करो पर अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए तो जब कभी बीच में आसक्ति आए घर के प्रति संबंधियों के प्रति तो ऐसा नहीं है कि कोई अपने संबंधी आए कोई मित्र आए तो बोले अब हम सन्यासी बन गए हम आपसे बात नहीं करेंगे ऐसे भी नहीं करना है वो भी गलत है एक आदमी इतनी दूर से आया है कोई संबंधी है माता पिता है तो उनसे मिस बिहेव भी नहीं करना है लेकिन अंदर से जब कभी क्योंकि मनुष्य है तो कभी ना कभी ऐसे लगता है अच्छा घर वाले जो है वो तो योगी बने नहीं अभी उनको तो यही लगता है कि हमारा बेटा है हमारी बेटी है और वो अंतिम समय तक लगेगा तो वो तो बार बार फोन करेंगे कभी चिट्ठी पत्री डालेंगे कभी मैसेज भेजेंगे आ जाओ एक बार तुम्हारी माँ बहुत बीमार है तुम्हारा पिता बहुत बीमार है तुम्हारा दादा बीमार है बहन की शादी है वो तो करेंगे तो वो अपनी जगह ठीक है लेकिन आपको तब ये सोचना चाहिए कि मैं अगले जन्म में प्रवेश कर चुका हूँ वो पिछले जन्म की बातें हैं इस जन्म की बात नहीं है पिछले जन्म के संबंध नहीं अब तो मेरा संबंध दो से ही है गुरु से और भगवान से ऐसा सोचने से फिर आप बच जाएंगे तो यही बता रहे हैं ये भिक्षवश मित्र आदि स्नेह संबंध यंत्रीता और क्या होगा अन्नोपाधी निमित्तेन शिष्यान बद्नन्ति लोलूपाः उभाभ्याम पिपाणेभ्यां शिरह कंडो नयनस्त्रयः

मन शुद्धि विहीनाकृति कथम भवे यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गु ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबर वद सूत मुनिश्रेष्ठ सर्वेत अशेषतः कस्य नो तो ये ऋषि मिलकर के पूछ रहे हैं श्री सूत जी से कि आप अशेषत संपूर्ण रूप से बताइए तो ये आगे उसका उत्तर देंगे तो इसमें क्या होगा अन्न उपाधि निमित्ते न शिष्यान बधनती लोलुपाहा ये भी एक वो चल जाएगा, कल युग में ना एक धंधा जैसे चल जाएगा कि जिन लोगों को दूसरे लोगों से ज्यादा भिक्षा आदि मांगनी है दूसरों से धन अर्जित करना है, तो वो बहुत सारे शिष्यों को पकड़ के लाएंगे क्योंकि उनके नाम पे फिर भिक्षा मांग सकते हैं। तो यहां बताया अन्न उपाधि निमित्ते ने शिष्या शिष्यों को बदनंती बांध के रखेंगे कोई इधर से उधर ना हो जाए तो आज तो यही संघर्ष चल रहा है अलग अलग ये जो धर्म परिवर्तन है मजहब का परिवर्तन है ये सब क्या है यही है कि जिसके मजहब में जितने ज्यादा अनुयायी उतना ही महान वो धर्म ऐसा ही माने जाने लगा है। तो हर व्यक्ति बहकाने में ज्यादा लगा हुआ है कि हमारा मत सबसे बढ़िया है हमारा संप्रदाय सबसे उत्तम है सबसे श्रेष्ठ है इसके बिना कोई गति नहीं है हमारा आश्रम हमारा हमारा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है इसमें लगे हुए हैं जबकि इसमें जो सतयुग की जो भावना है वो ये होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक उच्च चरित्र वाले योगी तपस्वी विद्वान जो सारी सृष्टि को लीड कर सके ऐसे व्यक्तित्व कैसे बनाए तो वो बनाने में कम ध्यान है और दिखाने में ज्यादा ध्यान होगा ऐसा ये कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसे होगा अन्न उपाधि निमित्त ने क्योंकि उसको देखने से फिर उनको अन्न आदि दूसरे लोगों से ज्यादा मिल जाएगा तो भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे और उभाभ्याम पाणीभ्याम शिकूनयन स्त्रीय कुर्वंत्य गृह भर्तृण आज्ञा भेदी अतंद्रिता पूरी जागरूक होकर के महिलाएं क्या करेंगी अतंद्रिता मतलब पूरी जागरूक होकर सजग होकर के उभाभ्याम पाणीभ्याम नम सिर खुजलाती हुई दोनों हाथों से व्यक्ति सिर कब खुजलाते जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है कि अब इसको क्या दंड दिया जाए ऐसे करता है ना अच्छा तो वो दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई स्त्री महिलाएं गृह भर्तृणाम आज्ञाम भेद संति जो गृहपति है माने घर के जो बड़े हैं घर के बड़े होते हैं माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग तो जब अनमेरिड हैं तब तो माता पिता आदि होते हैं घर के बड़े गृहपति और जब शादीशुदा हो जाती हैं तो सास ससुर होते हैं गृहपति और उनकी आज्ञा को वो अतंद्रिता होकर के भेद संति तोड़ देंगी ऐसे हो रहा है देख रही है ना कलयुग में पहले बहुएं डरती थी सास से सास ससुर से अब सास ससुर डरते हैं बहुओं से पता नहीं कब केस कर दे तो सारा परिवार जाएगा जेल में और जो ये जेल में लोग हैं उनमें से लगभग सत्तर से अस्सी प्रतिशत जो दहेज के केस है ना अस्सी प्रतिशत लोग निर्दोष हैं मतलब तो उसका मिसयूज़ ज्यादा हो रहा है बनाया तो अच्छे के लिए था लेकिन वास्तव में जो अच्छी बहने हैं जो कुलीन हैं वो तो बेचारी छोटे मोटे कष्ट सह के भी बताती नहीं है और कुछ ऐसे हैं कि बिना ही कष्ट के दूसरों को वहां खड़ा कर देते हैं तो ये उन, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि बहने जो हैं वो अतंत्रिता अतंद्रित होकर सजग होकर के और उसी को ही आज क्या माना जाता है मतलब पढ़ा लिखापन उसको ये माना जाता है सुशिक्षित कि हम सुशिक्षित हैं इसलिए हम उसको सहन नहीं करेंगे और हर जगह ये आवाज सुनने को मिलती है हम किसी भी फील्ड में भाइयों से कम नहीं है हम उनके बराबर हैं तो ये बराबरी बराबरी का नाद जो है कुछ तो राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनको उकसा दिया और कुछ शिक्षा व्यवस्था ने कि हम कम नहीं हैं हम उनके बराबर हैं हम भी बराबर हैं हम भी बराबर हैं हम कपड़े पहनने में भी बराबर हैं खेलने में भी बराबर हैं इसमें भी बराबर बराबरी के लिए युद्ध चल रहा है लेकिन वास्तविकता है कि बराबर नहीं है बराबर से ज्यादा है ना आप सच जाइए पहने बराबर से ज्यादा होती है भगवान ने बनाया ही उसको ऐसे क्योंकि वो पैदा करती है ना सबको तो मां हमेशा ज्यादा होती है बराबर नहीं होती है मां का जो शरीर है उसमें भगवान की ही ऐसी व्यवस्था है उसमें सहनशीलता ज्यादा मिलेगी क्षमाशीलता ज्यादा मिलेगी उसमें कर्तव्य निष्ठा ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसको निर्माण करना है पुरुष निर्माण नहीं कर सकता उसको ऐसा बनाया नहीं ना भगवान ने तो बराबरी क्यों तो वो अपने इन गुणों को भूल करके और वो हर फील्ड में बराबरी के लिए जंग कर रही है तो ये ये ठीक नहीं है स्थिति अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए माँ की महानता का सबसे बड़ा पैरामीटर है उसका मातृत्व अपने मातृत्व को नहीं भूलना चाहिए वो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और अभी तो वो होड़ करने में लगी हुई है तो ये ऐसे ही बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा कि वो उनकी आज्ञा का बड़े धड़ल्ले से भेदन कर देगी उसको तोड़ देगी तो ये उसकी महानता नहीं है ये सुशिक्षितापन नहीं है बल्कि ये अपने स्वरूप से नीचे उतर आना है आज्ञा पालन करना कमजोरी नहीं होती है आज्ञा पालन करना तो शक्ति होती है कोई किसी की आज्ञा पालन करता है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है तभी तो कोई किसी की आज्ञा पालन कर पाएगा और अहंकार को तोड़ना कमजोरी है कि ताकत है वो तो बहुत बड़ी ताकत है अपने अहंकार को तोड़ना साधना का मतलब क्या बताया था स्वामी जी ने उस दिन डुमेट वाले स्वामी जी ने बताया था ना कि साधना क्या है अहंकार जितना जितना टूटेगा उतनी उतनी साधना बढ़ेगी साधना का पैरामीटर ये है साधना का पैरामीटर ये नहीं है कि जो मैं चाहूं वो सब वैसा करता जाऊं कि देखो मैंने सबको झुका दिया मैंने सबसे मनवा ली अपनी बात ये नहीं है मैंने अपने अहंकार को कितना तोड़ दिया अपने अहंकार पे मेरा कितना काबू है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं भी हुई और फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ क्योंकि इच्छा तो अहंकार की है ना मन की है अहंकार की है तो अहंकार को तोड़ता है साधक और उसमें माता पिता गुरु निमित्त बनते हैं बड़े लोग निमित्त बनते हैं हमारे अहंकार को तोड़ने में तो वास्तव में तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरा अहंकार टूट गए नहीं तो मैं तो ऐसे था तने की तरह से अड़ा हुआ और अभी फ्लेक्सिबल किसने बना दिया गुरु ने बना दिया साधना ने बना दिया तो वास्तव में शिक्षा तो वही है ज्ञान वही है जो अपने अहंकार को तोड़ना सीखे तो आज्ञा पालन करना यद्यपि जो उसका एक विधाता ने जो स्ट्रक्चर बनाया है तो अपेक्षाकृत अभी भी ज्यादा मिलेगा जैसे हम अपने संगठन में देखते हैं यहाँ से कोई आदेश दिया जाता है स्वामी जी महाराज जो आज्ञा देते हैं आदेश देते हैं तो बहने पूरे संगठन में ज्यादा पालन करती हैं क्योंकि उनका स्वाभाविक रूप से ही ऐसे होता है कि वो उपेक्षा नहीं करती हैं अपवाद सब जगह मिलेंगे ऐसा नहीं है भाई भी बहुत अच्छे हैं जो अक्षर से उसका पालन करते हैं गुरु आज्ञा का एक हमारे गुजरात में भाई है भाई लक्ष्मण जी उनकी बेटी की शादी थी शादी वाले दिन भी कक्षा ली उन्होंने उससे पहले दिन भी उसके अगले दिन भी सब रिश्तेदार आए हुए थे शादी में सब कोई बिठा लिया बोल तो सुबह सुबह एक घंटा योग कर लेते हैं फिर दिन में शादी जो भी है वो करेंगे तो भाई भी हैं ऐसे जो बहुत अच्छे से आज्ञा पालन करते हैं गुरु आज्ञा का स्वामी जी ने एक बार कहा था कि भाई एक दिन भी योग कक्षा को मिस नहीं करना तो नहीं करते हैं ऐसे बहुत हैं भाई भी तो उनमें भी मातृत्व की ही अधिकता है फिर पुरुष शरीर में भी कोई आत्मा मातृत्व के गुणों को विकसित भी कर सकता है या मातृत्व के गुणों को लेके पैदा भी हो सकता है दोनों ही बातें संभव हैं और कहीं कहीं ऐसे भी होगा कि मां के शरीर में भी कहीं उदंडता देखने को मिल जाएगी वो अपवाद है लेकिन लेकिन वास्तव में यही है कि ये आज्ञा पालन करने वाली होती हैं बहनें तो इसलिए कलयुग में उल्टा हो जाएगा कुर गृह भर्तृणाम आज्ञा संति अतंद्रिता पाखंड आलाप निरता हा। पाखंड और आलाप में निरत पाखंड आलाप निरता हा। पाखंड जनसंग यदा द्विजा भविष्यंति कह रहे हैं कि जब ऐसे लोग द्विज बन जाएंगे पंडित बन जाएंगे ज्ञानी बन जाएंगे कौन जो पाखंडी होंगे और आलाप निरता जो केवल बातें बातें करेंगे वाचाल होंगे तो पाखंडी आलाप पाखंड जन संगीन और पाखंडी लोगों के ही साथ रहने वाले होंगे ऐसे लोग जब द्विज बन जाएंगे यदा द्विजा भविष्य तदा कली ही वृद्धिम गत है तो समझ लेना कि कलयुग वृद्धि को प्राप्त हो गया बढ़ गया है जो मतलब खुद वैसा जीवन जी भी नहीं रहे होंगे जीने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे होंगे उनका जीवन कैसा होगा बिल्कुल पाखंड से युक्त होगा और उन लोगों को जिस समय द्विज माना जाएगा जो वैसा जीवन जी नहीं रहे हैं पाखंड का जीवन जी रहे हैं और वैसे ही लोगों के वो साथ रह रहे हैं तो अभी तो ऐसे गैंग बने हुए ही हैं और पूरा ये रहता है कि अब की बार हमने हमने हमारे इतने इतने लोग आए थे हमने इतने लोगों को बुद्धू बनाया और इतने रुपए की टिकट भी लेके गई और हमारे को गुरुजी गुरुजी भी कह के गई और इतनी आमदनी हो गई और हमने इतना खड़ा कर दिया हमने ये बना दिया तो दूसरे को धोखा देकर के व्यक्ति अपने आप को मतलब वो मानता है कि देखो मैंने कितने लोगों को बुद्धो बना दिया तो ऐसी चर्चा करते हैं फिर तो ऐसा जब होगा क्योंकि द्विज का मतलब तो क्या होता है अपने जो वैदिक परंपरा उसमें द्विज का मतलब क्या होता है आत्मा का जन्म हो जाना जो अपना आत्म स्वरूप है वो गुण बढ़ जाना उसको द्विज कहेंगे लेकिन ऐसा ना करके जब पाखंड आलाप निरता पाखंड जनसंगीन यदा द्विजा भविष्य तदा कली वृद्धि तब ऐसे मान लेना चाहिए कि कलयुग बढ़ रहा है और उससे भी ज्यादा जब घोर कलयुग होगा तब क्या होगा घोरे कली युगे ब्रह्मण जना पापकर्मी मन शुद्धि निष्कृतिश्च कथम भवेत। तो कहते हैं कि हे ब्रह्मण पूछ रहे हैं ऋषि पूछ रहे हैं हे ब्रह्म घोरे कलयुगे घोर कलयुग में पाप कर्मी नाम जना नाम जो पाप करने वाले लोग हैं उनकी मन शुद्धि विहीना नाम जो जिनका मन शुद्ध नहीं होगा शरीर तो शुद्ध होंगे शरीर भी बाहर से देखने में शुद्ध होंगे वो स्ट्रोंग नहीं होंगे निरोग नहीं होंगे तो मन शुद्धि विहीना नाम जो मन की शुद्धि लेकिन मन तो नितांत अशुद्ध होंगे मतलब ज्यादातर ज्यादातर कलयुग में लोगों के मन कैसे होंगे अशुद्ध और शरीर बाहर से देखने में शुद्ध दिखाई देंगे मतलब नाना धोना रोज करेंगे कलयुग के लोग पहले तो कभी आठ दस दिन में नहाते थे हाँ ठीक है अपने काम में लगे रहते थे खेत में तो इतना टाइम नहीं था मैंने भी देखा है चालीस पैंतालीस साल पहले जो माताएं सिर धोती थी ना तो आठ दिन में एक बार धोती थी तो उस दिन पूरा रेस्ट होता था सिर धोकर के हमारे पड़ोस में थी कुछ एक बूढ़ी माता जी उसकी कोई था नहीं बेटे बेटी आदि तो उसका सिर धोना उसको कंगी करना उसकी चोटी बनाना मैं ही करती थी क्योंकि मैं दर्द नहीं करती थी आराम आराम से सुल जाती थी तो फिर एक बार वो शुक्रवार को धोती थी फिर अगले शुक्रवार को ही बात तो धीरे धीरे जब मेरी पढ़ाई ऊंची <laughs> होने लगी ऊंची मतलब आठवीं कक्षा में आ गई तो मैं कहती थी मैं इनका माता जी बाप ना रविवार को धोया करो मेरे को स्कूल जाना होता है तो वो लेकिन शरीर उनके स्वस्थ थे और मजबूत थे क्योंकि काम में लगे रहते थे तो अभी तो कपड़े भी साथ हैं कपड़े भी कई कई दिन में धोते थे, थे पहले कपड़े होते भी थोड़े थे कभी कहीं शादी आदि में जाना होता था ना तो मांग ले जाते थे अपने अड़ोस पड़ोस से चार पांच से मांग लो चार पांच जोड़ी हो गई एक किसी व्यक्ति के पास पांच सात जोड़ी नहीं होते थे और ये तो मतलब कलयुग में भी कुछ वर्ष पहले भी था कलयुग में भी था अभी कलयुग में भी घोर कलयुग चल रहा है हाँ, किसी के पास होते नहीं थे दो तीन जोड़ी होते थे बस जाते समय शादियां होती थी तो बर्तन नहीं होते थे तो बर्तन मांग लेते थे बिस्तर भी मांग लेते थे तो उससे प्रीति बढ़ती थी जब किसी के यहाँ शादी होती थी बारात आती थी तो उसको विश्राम करवाते थे एक रात में तो सारे गांव की खाट और बिस्तर मांगे जाते थे तो जो देते थे तो फिर परस्पर प्रीति होती है और बर्तन मांग के ले जाते थे तो जो बर्तन मांग के ले गए वापस लाते समय उसमें दो या चार लड्डू देते थे रखकर के तो हम इंतजार करते थे कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा बर्तन लेके जाए हमारे यहाँ से ताकि ज्यादा लड्डू आएंगे अभी लड्डू तो गाय खाती है मनुष्य लड्डू खाते ही नहीं है ऐसा हो गया तो ये कह रहे हैं कि जब और मन उनके बहुत विशुद्ध थे जैसे एक अतिथि आ गया ना तो जो आठ दस परिवार के घर हैं, तो वो आठ दस तरह की सब्जी बना के अपनी अपनी सब्जियां लाते थे कटोरी में तो आने वाला अतिथि है उसके सामने फटाफट दस कटोरिया हो जाती थी, थी थाली में और जोर भी नहीं पड़ता सब अपने अपने घर से बना लाए तो अच्छा लगता था क्योंकि उनके मन क्या होते थे शुद्ध होते थे एक परिवार का अतिथि आया तो दस परिवार के लोग उसको अपना ही अतिथि तो फ्लैट में रहते हैं तो नीचे वाले का अतिथि आए तो ऊपर वाले को कोई लेना देना नहीं ऊपर वाले के यहाँ कोई आए तो नीचे वाले को कोई लेना देना नहीं है तो मन कैसे हो गए अशुद्ध हो गए या फिर आएंगे तो भी वो बोलेंगे वाणी से मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन मन में मीठापन नहीं होगा ऐसा भी देखा है ना कई बार व्यक्ति वाणी से बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर भी उतना मीठा हो ये जरूरी नहीं है तो इसलिए इन्होंने कहा मन कैसे होंगे मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्चय कथम भवेत तो उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी ये पूछ रहे हैं कि कलयुग में जब इतना पतन हो चुका होगा तो हे ब्राह्मण आप बताइए कि उनकी मुक्ति का क्या उपाय होगा कैसे उनका क्योंकि शुद्ध तो करना ही पड़ेगा जो जो बढ़ाया है हमने अशुद्धि को उसको कौन ठीक करेगा हमें ही ठीक करना पड़ेगा तो उसका उपाय क्या कैसे यू टर्न कैसे लें अब तदा तुष्यति देवेशो देव देवो जगत गुरु ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म भृताम बर, हे धर्म वर धर्म प्रधान लोगों में श्रेष्ठ धार्मिक लोगों में श्रेष्ठ हे सूतजी वदस्व आप ही बताइए यथा तुष्यति देवेश वो कौन सा उपाय है जिससे वो देवेश प्रसन्न हो जाएंगे ऐसे लोग उस भगवान को किस उपाय से प्रसन्न कर पाएंगे और देवेश का मतलब भगवान भी है और देवेश का मतलब आत्मा भी है इंद्रियों को भी देव कहा ना और उनका स्वामी हो गया आत्मा देवेश तो वो अपनी आत्मा को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे क्योंकि आत्मा व्यक्ति की शोक युक्त है प्रसन्नता से युक्त नहीं है बहुत सारा धन भी है बहुत सारी डिग्रियां भी हैं, पद भी हैं, प्रतिष्ठा भी है लेकिन तो भी आत्मा क्या है शोक युक्त है जैसे अर्जुन का शोक युक्त था ना तो ऐसे कलयुग में आत्मा शोक युक्त है तो आत्मा कैसे प्रसन्नता से युक्त हो शोक को कैसे तरे गीता में क्या बताया शोक से तरने का उपाय अठारवी अध्याय में क्या बताया शोक को कैसे तरह अर्जुन ने अनन्य शरणागति और कोई उपाय नहीं है अनन्य शरणागति जो है वो ही एकमात्र शोक से पार जाने का उपाय है व्यक्ति की आत्मा में जो शोक है वो किसी भी औषधि से किसी टॉनिक से किसी पैसे से पद से प्रतिष्ठा से वो शोक दूर हो ही नहीं सकता है एकमात्र उपाय क्या है योग युक्त होना ईश्वर की अनन्य शरणागति में रहना ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना वही हमारे दोषों को दूर कर सकता है उसी में पावर है केवल वो जो इतने अशुद्ध अंतकरण हो चुके हैं तो वो अंधेरा तो सूर्य से ही मिटाया जा सकता है और कोई उसका उपाय नहीं है वहां पर दीपक मोमबत्ती सब छोटे पड़ जाएंगे क्योंकि अंधकार अत्यंत गहन हो चुका है तो अब तो सूर्योदय होना ही पड़ेगा तो इसलिए कहा कहाष्यति देवेश्वर देवदेव जगत गुरु ये भगवान के लिए है देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान जिस प्रकार से संतुष्ट हो यथा तुष्यति जैसे वो प्रसन्न हो वदस्व ऐसा कोई उपाय हमें बताइए